नमस्कार, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर है जहाँ पर न्यू व्हीकल एक्ट के विरोध में कई ट्रांसपोर्ट के संगठन यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे हुए हैं, जो न्यू व्हीकल एक्ट का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जो इंश्योरेंस का कानून आया है, और ये जो नए जुर्माने इतने बढ़ा दिए हैं, ट्रक्स के लिए ओवरलोडिंग का इतना जुर्माना कर दिया है, नॉर्मल जो ट्रैफिक वायलेशन ऑफेंस उसका ज्यादा, उसके लिए आए हैं। हम इस चीज़ का बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा हमें कर रहे हैं तो आप हमें सुविधाएं भी उसने अच्छी दें, सड़कें अच्छी दें। दिल्ली के NCR के एरिया में आप देखिए, मुरथल देखिए, कितना बुरा हाल है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे जगह जगह गड्ढे हुए पड़े, इतना ज्यादा हमसे टोल वसूला जा रहा है, इतना स्टेट से इतना ज्यादा टैक्स ले रही है। हम ये टैक्स भरते भरते ही हम पूरे हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता है। सारे के सारे जो हमारा किराया भाड़ा है, सारा का सारा उसमें चला जाता है। हम हर तरीके से टूरिस्ट, हम टूरिस्ट का काम करते हैं, हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान है सब लोग, ये अति हो चुकी है। अब कहाँ कहाँ से आए हैं यहाँ लोग? ये इस वक्त तो NCR की सारी यूनियंस हैं, NCR के लोग हैं ज्यादातर, ऑपरेटर्स भी हैं हमारी तरह और यूनियंस के लोग भी हैं, और ये देशव्यापी है और सब पूरे भारतवर्ष से लोग हैं और फैलेगा अभी। नए कानून व्हीकल एक्ट कानून के विरोध में यहाँ मोर्चा निकाला, विरोध प्रदर्शन निकाला गया है। तो हम लोग यहाँ जो देश भर से आए हुए ट्रांसपोर्ट के लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहाँ यहाँ। नमस्कार, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर है जहाँ पर ट्रांसपोर्टों के कई संगठन यहाँ नए व्हीकल एक्ट का विरोध करने के लिए पहुँचे हुए हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हजारों लोग नए न्यू व्हीकल एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। नेता सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस। नमस्कार, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर है जहाँ 15-20 साल होमगार्ड का नौकरी करने के बाद उनको निकाल दिया गया था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।